नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं सच न्यूज चागो। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है। मामला क्या है, मामला आप लोगों के बीच में बताने का प्रयास करता हूं। लिखा हुआ है, केंद्रीय महासंघ के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल दिनांक 28/3/2022 एवं 29/3/2022 तक चलेगा। इनकी मांगे क्या है, जानकारी मिली, आप देख सकते हैं, लिखे भी हैं लोग। ये अपनी 14 सूत्रीय मांगों के समर्थन में अखिल भारतीय डाक कर्मचारी द्वारा अनशन किया जा रहा है। मामला अनशन कब तक चलेगा, मैं जो अनशनकारी है मैं उनसे मिलता हूं और पूर्ण जानकारी विस्तार से बताऊंगा। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अध्यक्ष जो हैं, इसमें के जो अध्यक्ष चुने गए हैं, अध्यक्ष जी से हमारी वार्ता होगी। अनशन कब तक चलेगा, खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, ये भी पूछ लेता हूँ। बैठे कब से हैं, ब्रश किए हैं, कोलगेट किए हैं कि नहीं किए हैं, यह भी जानकारी मैं दूंगा। हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रविंद कुमार राव जी, मंडलीय सचिव ग्रुप सी गाजीपुर जी। और आप लोग अनशन पे कब से बैठे हैं? सुबह 9 बजे से। अच्छा, हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ। हम लोग यह महासंघ के आह्वान पर अपनी 22 सूत्रीय मांगों के समर्थन में आज यह 2 दिन का कार्यक्रम है, 28 और 29। आप पहली बात तो ये बताइए कि आप खाए पिए हैं कुछ आप लोगों की? नहीं नहीं, भोजन करके हम लोग बैठे हैं। अच्छा, भोजन करके बैठे हैं। मान लीजिए आपकी मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? हम लोग महासंघ के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। जो भी संघ का निर्देश होगा उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग का स्वास्थ्य घटे, आप लोग को कोई बीमारी हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए। इसके लिए जो इस समय वर्तमान सरकार है वह जिम्मेदार है, क्योंकि यह नोटिस उनको 1 महीना पहले दे दिया जा चुका है कि हम इस अपनी डिमांड के लिए स्ट्राइक करेंगे, आप हमारी डिमांड को पूरा कर दीजिए, नहीं तो हम अमर अनशन तक भी जा सकते हैं। जो भारत सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने 2004 में ही पेंशन हमारी बंद कर दी जी, और जबकि भारत सरकार के पार्लियामेंट के मेंबर सभी लोग पेंशन पाते हैं और हम 20-30 वर्ष अपनी सेवा विभाग को देते हैं और आज भी हमें पेंशन नहीं प्राप्त होती है। इसके लिए एनपीएस लागू किया गया, जो यह छलावा है, एनपीएस पेंशन के नाम पर छलावा है, हमें पुरानी पेंशन चाहिए, यह हमारा प्रमुख मुद्दा है। दूसरी चीज, डीए या कोविड-19 में जब देश चरमरा, हर तरह आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, उस समय हम सभी लोगों ने, डाक घर के कर्मचारियों ने अपना मेहनत बेजोड़ करके सेवा किया, लेकिन फिर भी हम लोगों का डीए 18 महीने का यह भारत सरकार ने बंद कर दिया, हमें वो उसे रिलीज किया जाए। दूसरी चीज़, तीसरा, 5% सीलिंग जो कैजुअल्टी होने के उपरांत आश्रित परिवारों को मिलती है वह बंद कर दिया गया है। हमारा डिमांड है कि वह 100% लागू हो, सभी को उसका लाभ मिले। जिस तरह राज्य सरकार दे रही है उस तरह भारत सरकार भी हमारे कर्मचारियों के परिवार को दे। एक बात बताइए, आप अध्यक्ष जी हैं, आप सचिव हैं, आप हम चाहेंगे कि 14 मांगों को जो विस्तार से बता दीजिए, 14 मांगें आपकी हैं क्या? 14 मांगों में पहली मांग हमारे है ओल्ड पेंशन लागू किया जाए, पुरानी पेंशन। दूसरी चीज़ है, हमारा डीए जो 18 महीने का है उसको दिया जाए। तीसरी चीज़ है, जीडीएस ग्रामीण जो हमारे सेक्टर में काम करते हैं, गांव गांव में जो जिनकी तादाद 3.5 लाख के आसपास है, उनको 4 घंटे की केवल पगार दी जाती है। हमारी डिमांड है कि उन्हें 8 घंटे की पगार दी जाए, उन्हें रेगुलर किया जाए और उनकी मेंबरशिप वेरिफिकेशन रुकी हुई है पूरे भारतवर्ष के स्तर पर, उसको तुरंत लागू किया जाए। 5 वीक का सप्ताह, जिस तरह प्रशासन कार्यालय 5-5 दिन का सप्ताह करता है, उसी प्रकार हमें भी वह लागू किया जाए, हमसे भी 5 दिन का काम लिया जाए। और जो श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों के ऊपर जो उत्पीड़न किया जा रहा है उसको तत्काल बंद किया जाए। एक मिनट, उत्पीड़न आपने बताया, उत्पीड़न कैसा? आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, भारत देश के आप स्वतंत्र नागरिक हैं, फिर उत्पीड़न कैसा हो रहा है? उत्पीड़न इस तरह से होता है, पगार गवर्नमेंट देती है 8 बजे, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का, लेकिन काम लेती है, आने का समय है, जाने का कोई समय नहीं है। इसलिए कि टारगेट, असंभव सा टारगेट कर्मचारियों पर लादते हैं, जिसके जो पूरा नहीं होने पर कर्मचारी उत्पीड़न के शिकार होते हैं, अधिकारीगण उनका उत्पीड़न करते हैं। एक बात बताइए, टारगेट कैसा है? देखा जाए तो टारगेट बहुत से संस्थाओं में या बहुत से विभागों में एक टारगेट है, भैया टारगेट आप करेंगे कैसे? यह कैसा टारगेट, क्या कस्टमर को आप मार मार के तो लाएंगे नहीं? कस्टमर को बहुत करेंगे तो भैया चारा, यह भी कहना है कि उनको भैया चारा कह के लाना है, उनको प्यार से करना है, फिर टारगेट कैसा भैया?
यही तो सबसे बड़ी विडंबना है इस भारत सरकार की कि कहती कुछ और करती कुछ और है। जमीन पर हकीकत पर कुछ और इनके कागज में कुछ और है। कहते कुछ है मौखिक लेकिन कागज में रिटर्न में नहीं देते हैं। मौखिक फोन के द्वारा कॉल करके इस तरह से कर्मचारियों को हमेशा दबाव बनाया जाता है कि अधिक से अधिक आप काम करिए। आने का समय है लेकिन जाने का 8 बजे रात तक। नेटवर्किंग की समस्या अब तक भारतवर्ष में ग्रामीण डाक विभाग में सही नहीं हुआ, जिसके लिए पूरे कर्मचारी जूझ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इनका सही नहीं हुआ, उसके लिए कर्मचारी जूझ रहे हैं। ये इसी के चलते कर्मचारी अपना दक्ष तो है लेकिन काम नहीं कर पाते। एक छोटा सा क्वेश्चन बता दीजिए, टारगेट देखा जाए तो आप यह बहुत बड़ी बात है। टारगेट ऐसे आप किसी को उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, प्यार से ही काम ले सकते हैं। टारगेट देखा जाए तो बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, आखिर इसका जिम्मेदार होता कौन है? इसके जिम्मेदार पूरा भारत सरकार है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं। तमाम इस तरह की घटनाएं कई मंडलों में हो चुकी हैं इस टारगेट के परिप्रेक्ष्य में, और तमाम कर्मचारी हमारे आरोप पत्र के भी शिकार हो चुके हैं इसी टारगेट के चलते, जो समयबद्ध पर काम नहीं कर पाए, अधिक से लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, तो उनका उत्पीड़न किया जाता है प्रशासन के द्वारा। और नेक्स्ट मांगे बताइए आपकी, और मांगे क्या हैं? हमारी मांगे हैं कि जो श्रम कानून में संशोधन किया जा रहा है वह बंद हो, ठेकेदारी प्रथा बंद हो, निजीकरण बंद हो, और जो हमारे डिमांड है, मूलभूत अधिकार है, उसका पालन हो, और सभी रूल जो कर्मचारियों पर लागू होता है वह भी अधिकारियों पर भी लागू होना चाहिए। न कि अधिकारी अपने चैम्बर में बैठ के केवल फोन कॉल से पूरे मंडल को भ्रमित करते हैं, और कर्मचारी मेहनत का काम करते हैं और उनको कोई भी उसके बदले उनको प्रोत्साहन नहीं किया जाता है प्रोत्साहित। आपकी 14 मांगे थी, 14 मांगों में आपने कैठो मांगे बता दिया है आपने। नेक्स्ट मांगे बताइए, उसके बाद क्या मांगे हैं आपकी? नेक्स्ट मांगे हमारी हैं कि जितनी भी रिक्त पदे खाली हैं उसको अविलंब भरा जाए, और हमारे यहाँ RMS का सेंक्शन हुआ करता था जिससे हमारे डाक का आदान प्रदान होता है। बहुत जगह पूरे भारतवर्ष में RMS डिवीज़न को बहुत जगह खत्म कर दिया गया, उसे पुनः चालू किया जाए ताकि हमारी डाक की जो व्यवस्था है वह सुचारू रूप से चले, हर जनता के बीच में हम पहुंच सकें समयबद्ध तरीके से, जो हमारा टाइम फैक्टर है उसके बीच में हम काम कर सकें। क्या आप लोग ड्यूटी अपने समय से जाते और आते हैं? हाँ, ये हम लोग हमेशा ड्यूटी जाने का समय मेरा है, आने वापस आने का समय नहीं है, क्योंकि जब तक हम काम को समापन नहीं कर लेते, नेटवर्क के अभाव में आए 8 बजे रात तक भी हम लोग अपना काम को अंजाम देते हैं। और क्या आप अपने परिवार में समय से जाते हैं, बीबी बच्चों से समय से मिलते हैं आप लोग? यह संभव नहीं हो पाता है, यहाँ तक कि टारगेट के अभाव में तो अब छुट्टियों में भी मीटिंग मेला आयोजन किया जाता है, जिसके कारण हम उससे भी प्रभावित होते हैं। अपने रोजमर्रा की जिंदगी जो परिवार में हम देना चाहिए वो अभी नहीं दे पाते हैं। क्या आप अपने घर जाते होंगे तो आपका बच्चा बड़ा दौड़ के आता होगा, और कभी कभी तो मुलाकात भी नहीं हो पाती होगी, सुबह उठते होंगे और ड्यूटी चले जाते होंगे? हाँ, ये सत्य है, हम लोग प्रेशर में रहते हैं, बच्चों से जो हमारी बात दिल की होनी चाहिए, जो प्यार दुलार होना चाहिए वह नहीं दे पाते हैं। पत्नियाँ भी जब तो झलकती हैं कि आप तो समर्पित डाक विभाग को हो गए, हमारे पास समय ही नहीं आपको देने के लिए। पत्नी भी हो गई नाराज, पत्नी भी हो गई नाराज, अब हो गए आप डाक विभाग के, पत्नी ऐसा कहती हैं जी, उस समय कैसा फीलिंग होता है जरा बता दीजिए? फीलिंग तो यही होता है कि अब हम लोगों ने इस विभाग में जब आए तो ये हुआ कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, बहुत अच्छी हमारी व्यवस्था होगी और हम अच्छे, हमको सम्मान मिलेगा। लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं गलत चूज कर लिया विभाग में आकर, लेकिन फिर भी यह मेरी रोजी रोटी है, इसी के सम्मान में ही मेरा सम्मान है। चलिए, और नेक्स्ट मांगे बताइए, उसके बाद क्या है नेक्स्ट? हम लोगों का जो GDS कर्मचारियों का है, और हमारी डिमांड है कि अगर यह जो डिमांड हमारी 914 सूत्रीय मांगों के, जो विशेष करके अलग अलग 22 सूत्रीय मांगे हैं, लेकिन अलग अलग और सेक्टरों की मांग है, क्योंकि 11 कॉन्फेडरेशन के तले आज ये धरने का हड़ताल हो रहा है, लेकिन हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमें 5 दिन का सप्ताह दिया जाए, हफ्ता दिया जाए, और हमारी पुरानी पेंशन लागू हो, DA हमारा जो बंद पड़ा है उसको रिलीज कर दें, और इसके साथ साथ जो टारगेट का जो प्रहार है इसको बंद होना चाहिए, इसके खिलाफ हम लोग आज आंदोलित हैं। और अगर ये हमारी डिमांड सरकार, भारत सरकार नहीं मानती है, तो आगे हम किसी भी प्रकार का संघर्ष करने के लिए बाध्य हैं, और हम करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। और मांगे क्या है? पार्ट टाइम कर्मचारियों का नियुक्तिकरण है, रिक्त पदों को जो खाली पड़े हैं उसको, अब जिससे कि हमारे ऊपर जो लोड, आज प्रेशर पड़ रहा है, 3 आदमी का 1 आदमी काम कर रहा है, अगर वो
भर्तियाँ रिक्त खाली हैं, जो भर दी जाएंगी तो हम लोग सभी लोग को बोझ नहीं पड़ेगा। जी जी, चलिए आप लोगों से मिलके, यह बेहद दुखद घटना है। एक बात बताइए, अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आया था कि नहीं? नहीं, ये हमारा जिम्मेदार अधिकारी हमारा डाक अधीक्षक गाजीपुर मंडल का होता है, और गाजीपुर के मंडल के अधीक्षक जो हैं वह बंद कमरे में अपने हमारे हड़ताल को हमारे को ये असफल करने में प्रयासरत हैं वो, लेकिन कर्मचारियों की एकता के तहत सफलता हम लोग अर्जित किए हैं। पूरा 100% गाजीपुर मंडल पर ताले लटके हुए हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए शाम हो जाएगी, फिर खाना पीना का कोई प्रावधान नहीं, आप लोग रहेंगे कहाँ? फिर हम कल सुबह 9 बजे से यहीं पर बैठेंगे। हाँ, रात्रि नहीं है जी, नहीं, 5 बजे तक धरने का प्रोग्राम है, 5 बजे तक चलेगा, इसके बाद फिर कल सुबह 9 बजे से हम लोग यहाँ एकत्रित हो। और जानकारी दूंगा, इतने लोगों के बीच में एक महिला कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, और उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं। मैडम, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। सर, मैं ज्ञानवती देवी तलवल, BPM हूँ। मैडम, एक बात बताइए, आज आप अनशन पे बैठी हुई हैं, कैसा लग रहा है, आप चाहती क्या हैं? हम लोग की मांगे पूरी हो जी, हम लोग यही चाहते हैं। क्या लगता है आपको कि जो आपकी मांगे हैं वो पूरी हो पाएंगे? 100% हम लोग मतलब तैयार हैं कि हम लोग की मांगे पूरी हो। यदि मांगे पूरी नहीं होगी तब क्या करेंगे आप? हम लोग फिर धरना करेंगे। धरना ऐसे कब तक चलेगा बिना खाए पिए? जब तक नहीं मांगे हम लोग की पूरी होगी तब तक हम लोग लगातार चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं, और यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि इस तरह के कार्यक्रम में आए और इनकी बातों को सुने, और जो भी इनकी समस्या है उसका समाधान करें। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद।